Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट हम साइंस में पढ़ रहे हैं उसके लिए. ओके हमने अभी तक प्लास्टिड के बारे में बात कर ली, हमने इससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, सेल वॉल के बारे में बात की. तो आज हम वैक्यूल के बारे में बात करेंगे, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी बॉडीज, उसके बाद हम उस दूसरी चीज़ों के बारे में जैसे आपका राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है और लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे. अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपका किस चीज़ के बारे में, वैक्यूल के बारे में. तो मैं यहाँ पे आपका वैक्यूल जो है अभी तक हुआ नहीं था, ये टॉपिक अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था, बट आज हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो वैक्यूल जो टर्म है उसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी. तो देखो सिंपल सी चीज़ है, वैक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है मैं पहले वो बता देता हूँ. देखो आपकी बुक में जो क्लास 9th की बुक है उसमें उसने एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उसने फॉर्मेशन के बारे में बताया नहीं है, बट थोड़ा से मैं इस एक्स्ट्रा डिटेल में जाना चाहता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट रहे क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है आपका वो 100% क्लियर होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बात करते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट है जिनका उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर, तो मुझे बार बार बताते हैं कि उनका बायोलॉजी से काफ़ी लगाव है और बायोलॉजी में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है और फ्यूचर में वो जैसे डॉक्टर बनने के बड़े उनके ड्रीम्स हैं. तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करके रखें फ्यूचर में जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं जो उनको मेडिकल फील्ड में लेके जाएंगे. ओके तो पहले से ही उनको बायोलॉजी में अच्छा बनना पड़ेगा. तो स्पेशली क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं उनको बायोलॉजी में अच्छा बनना चाहिए. ओके तो मैं बायोलॉजी में जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो वैक्यूल है, वैक्यूल को हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके तो वैक्यूल में देखो होता क्या है ना, जो प्लांट सेल, देखो एनिमल सेल में तो वैक्यूल ऑलमोस्ट एबसेंट होता है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर. तो हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में. तो प्लांट सेल आपका जो है उसके उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये हो गया, मैंने एक प्लांट सेल को बना दिया. ओके साइड साइड में सेल वॉल है, बाकी चीज़ें मैं उन सारी चीज़ों पे डिस्कस नहीं करूँगा. ये समझ लेते हैं कि ये आपकी सेल वॉल है. अब सेल वॉल एक्चुअली क्या होता है ना, जब सेल वॉल डिवाइड जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, ये सेल है, सेल डिवाइड करेगी तो दो नई सेल बनाएगी और दोनों जो सेल होती है ना वो पहले साइज में छोटी होती है फिर धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता है. ओके तो मान लेते हैं कि ये एक नई सेल है जो डिवीजन के बाद बनी हुई है और पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है और इसमें कोई भी वैक्यूल अभी नहीं है क्योंकि ये एकदम जस्ट प्रिपेयर्ड सेल है, एकदम नई सेल है जो अभी अभी बनी हुई है. ओके तो ये जब सेल अपने आप को साइज में बड़ा करती है तो ये अपने आप को क्या करेगी, साइज में बड़ा करेगी. साइड साइड में सेल वॉल है, सेल वॉल को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ बार बार. तो जब साइज को बड़ा करेगी तो ये उनका न्यूक्लियस हो गया और छोटे छोटे बबल की फॉर्म में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पेस बन जाते हैं, बहुत सारे स्पेस बन जाते हैं जब ये साइज में बड़ी होती है. क्योंकि होता क्या है ना कि जो सेल वॉल होती है, ओके जो सेल वॉल होती है वो जो सेल होती है वो तो साइज में बड़ी हो जाती है बट उनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो उतने ज़्यादा उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उनका जो अमाउंट है वो उतना इंक्रीज नहीं हो पाता और उसमें इंक्रीज ना हो पाने की वजह से उसमें छोटे छोटे बबल्स या फिर छोटे छोटे वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है. अभी देखो सेल जो है ना वो उनका साइज अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है, उनका साइज अभी भी इंक्रीज कर रहा है और जैसे जैसे उनका साइज इंक्रीज करता है ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, जो छोटे छोटे वैक्यूल्स दिख रहे हैं ये ज्वाइंट होते हैं और एक बड़ा सा थोड़ा सा बड़ा एक वैक्यूल बनाते हैं और लास्ट में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा सिंपल सी एक सेल का डायग्राम बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा. ये एक सेल बन गई है और इसके चारों तरफ आपका सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल हो गई. ओके और इनका सेंटर में आपका लेट मी मेक इट न्यूक्लियस, ये एक ऐसे साइड में थोड़ा से करके बना देते हैं, ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया और एक बड़ा सा वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है. और ये बड़ा सा वैक्यूल आया कहाँ से, आया कुछ नहीं, बस भाई जो आपके छोटे छोटे वैक्यूल से वो जुड़ते चले गए और
सेल का साइज बड़ा होता चला गया, वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और वो वैक्यूल धीरे धीरे आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़े से वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो ये एक बड़े से वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया जो छोटे छोटे वैक्यूल की वजह से ही हुआ है। ओके, तो अब होता क्या है, अब एक चीज और, ये इस वैक्यूल का जो वो है क्या नाम है, वैक्यूल का जो जो मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। नाम आप लोग याद रखें, इनको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इनके अंदर पाया जाने वाला जो नॉन लिविंग कंटेंट होता है, नॉन लिविंग जो पार्ट होता है, लिक्विड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल सैप कहते हैं, सेल सैप कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज, ये आसपास सेल के आसपास जो सेल आपका दिख रहा है इसके आसपास आप देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म की एक पतली सी लेयर, यहाँ पे इसके सारे चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक पतली सी लेयर पाई जाती है। स्पेशली आप एक इस एंगल से देखेंगे तो इसमें साइटोप्लाज्म की एक पतली सी लेयर आपको दिख रही है। इस पतली सी लेयर को हम प्रिमोर्डियल एट्रिकल कहते हैं, इसे हम कहते हैं एट्रिकल, तो इसे हम कहते हैं प्रिमोर्डियल, प्रिमोर्डियल एट्रिकल, लेट मी करेक्ट इट, एट्रिकल, तो इसको प्रिमोर्डियल एट्रिकल कहते हैं। ओके, ये तो हो गया इनके बारे में। अब टोनोप्लास्ट हमें समझ में आ गया, सेल सैप समझ में आ गया। देखो सेल सैप में जो स्पेशली वहां पे कार्बोहाइड्रेट और कुछ मिनरल्स और कुछ एमाइड्स होते हैं, ये सारी चीजें इस सेल सैप के अंदर पाई जाती है। तो सेल सैप में क्या क्या पाया जाता है, मैं कुछ चीजें यहाँ पे नोट कर राइट कर देता हूँ। स्पेशली पहली चीज यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट, ओके, यहाँ पे पहली चीज कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तीसरी चीज इसमें जो होता है वो होता है एमाइड्स होते हैं, एमाइड्स होते हैं, और उसके अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत फैट भी पाया जाता है और चीजें पाई जाती है। बट ये चीज याद रखें कि इसमें ज्यादातर नॉन लिविंग कंटेंट होते हैं। ओके, तो सेल का ये वो पार्ट होता है जहां पे लिविंग पार्ट, लिविंग कंटेंट नहीं ना जा पाया जाके बल्कि लिविंग पार्ट पाया जाएगा। और दूसरी चीज ये, आप इस टर्म को समझें जो प्रिमोर्डियल एट्रिकल लिखा हुआ है, जो आपका यहाँ पे प्रिमोर्डियल एट्रिकल लिखा हुआ है, ये प्रिमोर्डियल एट्रिकल है क्या, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा तो उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बड़े ही कम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और जो साइड साइड में एक पतली सी लेयर यहाँ पे आपको दिख रही है, ये थिन लेयर जो आपको दिख रही है साइटोप्लाज्म की, इस पतली सी लेयर को ही हम क्या कहते हैं, प्रिमोर्डियल एट्रिकल कहते हैं। ओके, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें कि ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, क्या होते हैं, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में ये क्या होते हैं, ये या तो बेसिक होंगे जो सेल सैप होता है, जो आपका सेल सैप जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिनरल मिनरल एमाइड्स पाए जाते हैं, तो वो या तो बेसिक होंगे या फिर आपके क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, या तो बेसिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। लेकिन लेटर लास्ट तक जाते जाते ये आपका जो कंटेंट होता है उसके अंदर पाया जाने वाला जो सेल सैप्स होता है वो एसिडिक इन नेचर, तो वो एक उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा से एसिडिक हो जाता है। ओके, अब उसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लेट मी राइट फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे आपका फंक्शन राइट कर दिया। और ये फंक्शन, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टर्जिडिटी एंड जो रिजिडिटी होती है इनकी जो सेल की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस कुछ में ये फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, सेकेंड इसमें हम बात करेंगे एक नेक्स्ट, जैसे इसमें और ये स्टोरेज स्पेस का भी काम करते हैं। कुछ चीजें आप एनसीईआरटी में भी देख लें, स्टोरेज स्पेस का भी काम करते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो अमीबा में ये फूड वैक्यूल, आपने वैक्यूल देखा होगा, अमीबा में छोटे छोटे जो अमीबा होते हैं, दैट्स एक्चुअली एनिमल होते हैं,
बट उनमें भी छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये जो वैक्यूल्स होते हैं और ये जो अमीबा में पाए जाने वाले वैक्यूल होते हैं, ये अमीबा में फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्पेशली फूड डाइजेशन एंड फूड कलेक्शन में हेल्प करेंगे। तो अमीबा में फूड डाइजेशन एंड फूड कलेक्शन कहाँ पे होने वाला है? इन्हीं फूड वैक्यूल के अंदर होने वाला है। उसके अलावा ये एक्सेस वाटर एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उनको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन हो गए इनके बारे में, इनके फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया। तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें उनको मैंने मेंशन की, साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा इनके किस तरह से इनका फॉर्मेशन या फिर किस तरह से ये जनरेट होते हैं उनके बारे में मैंने भी उसके बारे में भी बता दिया, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप इसे आसानी से डील कर सके। ओके, तो ये क्लास 9 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के जो हम वैक्यूल को हमने समझा, और इसमें आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चीजों को आप अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लेके बताएं। थैंक यू सो मच।